Dark Star Music. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में मेरा कोई रोल नहीं है। मैं अपनी फ्रेंड गुंजन पंत को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आई हूँ, उनको बहुत सारी शुभकामना देने आई हूँ। सनी कपूर जी जो डायरेक्टर हैं, उनकी अगली फिल्म है उसमें मैं काम कर रही हूँ, और इससे पहले भी सनी कपूर जी के साथ में मैंने काम किया है। और बस बाकी तो आप सभी जानते ही हैं परिचित के बारे में। एक्चुअली मैंने इस फिल्म का सब्जेक्ट सुना है, इसके गाने बहुत अच्छे हैं, और एक जैसे कि राजपाल जी का जो रोल है बहुत ही शानदार है। मुझे लगता है कि गुंजन पंत और राजपाल जी की जोड़ी बहुत अच्छी नज़र आने वाली है। थैंक यू सो मच। किस तरीके से ख्याल आया ये फिल्म प्रोड्यूस? देखिए, बहुत दिनों से हम कोई अच्छा ड्रीम प्रोजेक्ट सोच रहे थे पिक्चर की। इसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी और हम लोगों ने सोचा कि इसको पिक्चर बनाया जाए। इमरान जी से मैंने जब स्टोरी सुनाई तो उनको लगा कि ये पिक्चर बहुत हिट होनी चाहिए, और उन्होंने बहुत दिल लगा के काम किया। सारे कलाकारों ने, मंझे हुए कलाकारों ने, आप सबको जानते होंगे, जब पिक्चर देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि इनकी मेहनत सफल होगी। पिक्चर रिलीज़ होने की दिसंबर में बात चल रही है, और भगवान ने चाहा और आप लोगों का सबका प्यार मिला तो दिसंबर में लॉन्च हो जाएगी। नज़दीकी सिनेमाघरों में आप लोग देख सकते हैं इसको। मैडम का किस तरीके से सपोर्ट रहा आपको? मैडम आप बताइए। मैंने जब स्टोरी सुनी, इन्होंने बोला कि मुझे मूवी स्टार्ट करनी है, तो मैंने इनको सपोर्ट किया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल करते हैं, और फिर मैंने इनको वो मोटिवेट किया। और जो कलाकार हैं, जो सोनिया ओझा जी और ज्योति मिर्खे, वो इनकी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बताया कि इनको लेना चाहिए पिक्चर में, और वो काफ़ी अच्छी कलाकार, आप लोगों को पहले पिक्चर में देखा ही होगा। और उन्होंने स्टोरी जब इन्जॉय करके काम किया स्टोरी को, और जब आप पिक्चर देखेंगे, अभी शॉर्ट्स देखेंगे, तो लगेगा आपको कि पिक्चर बहुत अच्छे बजट की बनी है। ये फिल्म कब तक रिलीज़ कर रहे हैं? ये दिसंबर 9 दिसंबर पर, अभी डेट क्लियर नहीं है, अभी हम आप लोगों को बताते हैं, बताते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दिसंबर तक जो है रिलीज़ हो जाए। तो कितने सिनेमाघरों में रिलीज कर रहे हैं फिल्म? ये हम लोग की बात चल रही है 140 सिनेमाघरों में, इसमें मल्टीप्लेक्स और सारे सिनेमाघर इसमें आएंगे। काफ़ी सिटीज़ में हम लोग रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए कब तक रिलीज होती है, होपफुली कि दिसंबर में ही हो जाए। थैंक यू सो मच। सर, कैसे दिमाग में आया आपको ये फिल्म प्रोड्यूस करने का ख्याल, कैसे आया? ब्यूटी ब्रेन मेरा एक सपना था। जब मैंने सनी जी से बात की कि मुझे फिल्म बनानी है, तो उनके पास बहुत अच्छी स्टोरी थी, हमको जो स्टोरी बहुत पसंद आई, तो हम लोगों ने ये फिल्म शुरू कर दी। जी, अगर क्या फिल्म है जरा इसके बारे में आप कुछ विस्तार से? सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, इंटरटेनमेंट से भरी हुई है पूरी, कॉमेडी, सेक्स,
रोमांस, फाइट, एक्शन, ड्रामा, ट्विस्ट, सब कुछ है इस पिक्चर में। तो एक दर्शक को जो चाहिए होता है एंटरटेनमेंट, जो एंटरटेनमेंट फिल्में जो देखना पसंद करते हैं, उनके लिए सारा इस फिल्म में मसाला है। तो फिल्म में कितने गाने हैं? फिल्म में तो दो ही गाने हैं। लोकेशन के बारे में बताएं, कहाँ शूट की गई है? लोकेशन हम लोगों ने पनवेल में गाना किया, एक महाबलेश्वर में किया, बाकी सब बॉम्बे में है। जो सीन्स वगैरह थे सारे हम लोगों ने बॉम्बे में किए। सर क्या USP क्या है, उनके दर्शक क्यों देखने जाएगा? एक एंटरटेनमेंट पिक्चर है जो दर्शकों को एक मज़ा आना चाहिए पिक्चर देखने के लिए। जैसे रोहित शेट्टी की होती है, अब्बास मस्तान की रहती है, कि पूरी मसाला फिल्म की हर चीज़ उनको वो मिल जाए, आँखों को खूबसूरत लगे, कानों को साउंड अच्छा लगे, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है फिल्म का, जो बांध के रखता है फिल्म। सर जो कलाकार हैं उनके साथ काम करने में कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा, काफ़ी लोगों ने सहयोग किया और तकरीबन सभी के साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ तो इतनी दिक्कतें नहीं आई सारे कलाकार। कितने दिन में पूरी फिल्म कंप्लीट हुई आपकी? ये 15 डेज में हम लोगों ने बनाया। सर आगे आपको कोई प्रोजेक्ट ऐसा आने वाला जो जिसके बारे में आप बताना चाहें, कोई प्रोजेक्ट आपका आने वाला है? आगे हम लोगों की हम फिल्म आ रही है अपरिचित शक्ति, जिसमें राजपाल यादव है, गुंजन पंत है, इसके भी हम लोगों ने दो गाने शूट कर लिए हैं, कुछ सीन शूट कर लिए हैं, वो भी बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है ऐसा जो अभी तक नहीं आया। मतलब हालांकि हर आदमी यही बोलता है कि मेरी पिक्चर हटके है, लेकिन ये सब्जेक्ट वाकई में अलग है और राजपाल इस रोल में फिट थे। और इस फिल्म में राजपाल यादव सिर्फ कॉमेडी नहीं कर रहे, एक्शन भी कर रहे हैं और काफ़ी उनका रोल भी हटके, बिल्कुल उनकी इमेज से हटके। थैंक यू। अपने नाम के साथ सुन कर किस तरह का किरदार है आपका? हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनिया ओझा। ये जो हमने मूवी की है ब्यूटी विद ब्रेन, एक एक्शन थ्रिलर मसाला मूवी है और मेरा जो इसमें कैरेक्टर है वो मेन लीड मैं प्ले कर रही हूँ। इसमें बहुत ही सस्पेंस वाली मूवी है। पूरी मूवी में मेरा बहुत मैंने अपने ब्यूटी के साथ अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से मैंने मूवी में क्या मसाला है, किस तरह से मैंने इसमें विलन्स का फिनिश किया है विलन्स को, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत ही अच्छे तरीके से मूवी बनाई है। जो इसके डायरेक्टर हैं मिस्टर सनी कपूर जी और इसके प्रोड्यूसर हैं रविंद्र टुटेजा जी, सब लोगों ने बहुत मेहनत की। हमारे डायरेक्टर सर ने हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से हमें समझाया और हम लोगों ने बहुत अच्छे से शूट भी किया। और आप लोगों को जब ये मूवी देखने को मिलेगी तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके सॉन्ग्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इस फिल्म में आपने एक्शन हाँ मेरे एक्शन भी है इसमें। तो क्या आपने आपको आप किसी कलाकार से पुराने कलाकार से किसी तरह से प्रेरित पाती हैं आप? देखिए मैं मेरा जो आइडियल एक्टर एक्ट्रेस है वो है काजोल जी, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। उनकी जो एक्टिंग है, जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो हर एक्ट्रेस का अपना होता है, एक आइडियल होता है, तो मैं उनसे इंस्पायर्ड। आप फिल्म में कुछ कॉमेडी करते हुए नजर आई है? हाँ, मैं यश कॉमेडी करते हुए देखेंगे आप मेरे को, बट आपने अभी तक देखा होगा कॉमेडियंस को कॉमेडी करते हुए। इस मूवी में मैं लेडी इंस्पेक्टर का करेक्टर कर रही हूँ। मेरे को बहुत ही शौक था कि मैं एक ऐसा करेक्टर करूँ, तो इसमें एक लेडी करेक्टर के उस इंस्पेक्टर के करेक्टर में देखेंगे आप मेरे को। शायद आप पसंद करें, किशोर जी के साथ हूँ मैं। आई होप सो आप सबको अच्छा लगेगा। दिल से तो काम किया है बट देखिए फर्स्ट टाइम मैंने कॉमेडी की है। कर पाई हूँ कि नहीं कर पाई हूँ ये तो आप लोग ही बताएंगे, बट मैंने कोशिश की है। इस मूवी के हमारे डायरेक्टर मिस्टर सनी जी और प्रोड्यूसर रविंद्र जी, सारे यूनिट ने बहुत कॉपरेट किया है और सारे बहुत फ्रेंडली रहे हैं। हमारी मूवी जल्दी रिलीज़ होगी, आई होप सो आप सब लाइक करेंगे और हमारा हौसला बढ़ाएंगे। थैंक यू। फिल्म में कितने गाने हैं? फिल्म में दो सॉन्ग हैं, एक रोमांटिक, हाँ नहीं, एक सॉन्ग मेरा है और एक मेरी जो दूसरी मेरी जो जिसने मेरी इस मूवी में सिस्टर का रोल प्ले किया है, एक सॉन्ग उन पे है पूरा, और दोनों ही सॉन्ग बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। सर क्या कहेंगे फिल्म के? दो फिल्में हो रही, साथी रसीना है और एक तरफ अपरिचित। हाँ, मैं तो इस फिल्म का हिस्सा नहीं हूँ, मैंने काम नहीं किया, लेकिन मैं सिर्फ सनी कपूर जो हमारे दोस्त हैं उनको मुबारकबाद देने आया हूँ। और इमरान जो है वो भी हमारे भाई हैं, राजपाल भी भाई है, तो उनको सिर्फ ऑल द बेस्ट बोलने के लिए आया था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि फिल्में चलें, क्योंकि फिल्में बड़ी मुश्किल से बनती हैं आजकल, तो और ज़्यादा मुश्किल से बन रही हैं। और उम्मीद यही करता हूँ कि जो भी फिल्म बना रहा है कलाकार,
सबको कामयाबी मिले और सब लोग सक्सेसफुल हों, हम सबका काम चलता रहना चाहिए। ये सब इंटरनेट सब चल रही, समस्या चल रही है, नोट को लेकर। हाँ हाँ, आप किन तकलीफों को, तकलीफ हुई आपको या किसको? नहीं हुई, सभी को तकलीफ हुई है, लेकिन अभी इस बारे में बोलना क्या बोले, मतलब मैं कमेंट करना नहीं चाहूँगा, हो सकता है कि लंबे रन में अच्छी चीज़ हो। समझ हो आप मोदी जी से जो किया है, कालाधन बाहर आ जाए, जो मोदी ने डिसीजन लिया है वो सही है क्या? सर उससे बॉलीवुड पे भी बड़ा असर पड़ा है। बॉलीवुड पे तो असर पड़ा है, लेकिन रॉक ऑन जैसी फिल्म को जो है, हाँ हाँ, काफ़ी फिल्में फ्लॉप भी हुई हैं, जो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मैं इस बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा मैं किसी के लिए। मैं ये पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, और वैसे भी हमारे देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कोई वैल्यू रही नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। इस वक्त ये खबर आपको आई कि 500 नोट असेंगे बंद हुई, तब आपका क्या रिएक्शन था, क्या माइंड में आया? शॉक था, इट वाज शॉकिंग, एब्रप्ट था, एकदम ऐसे एब्रप्ट हुआ, तो सबको शॉक हुआ, जैसा जिस तरह आप सबको शॉक हुआ, मुझे भी शॉक हुआ, बस वही है। थैंक यू वेरी मच। आइए 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 आँख में आ रहा है विजय। हाँ वन मोर या मैं सोलो सोलो कट कर हाँ सोलो यहीं पे बाइट ले लो दो बबलू यहीं पे बाइट ले लो खत्म करो लगा डालो मैम ये लोग निकलेंगे फोटो ये लोग निकलेंगे सब फोटो से यहाँ कुछ भाई अनिल बहुत बढ़िया पिक्चर है, नरेंद्र जी ने बनाई है, रविंदर जी जो है हमारे हैं उन्होंने बनाई है, और इजरार भाई हमारे भाई हैं, हमेशा ऐसे शुभ कार्यों में इजरार भाई अपनी बहन को हमेशा याद करते हैं, और हम अपना समय निकाल के ज़रूर यहाँ आते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी मुबारक हो हमारे प्रोड्यूसर भाई को, रविंदर जी इधर आ जाओ, रविंदर वीर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं, टाइटल भी बहुत अट्रैक्टिव है, ब्यूटी विद ब्रेन्स, और हमारे पोपो हैं इमरान, तो हम बॉलीवुड एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, और हम अपनी शुभकामनाएं उन सबको देने आए हैं। आपको लगता है डोली जी ये फिल्म का जो है अभी थोड़ा वक्त खराब आ गया है, पैसे के जो लेन देन का चल रहा है, उसके कितना बॉलीवुड पे फर्क पड़ेगा? देखिए पॉजिटिव सोचो, सब अच्छा होगा, कोई वक्त खराब नहीं होता है, समय उतार चढ़ाव जिंदगी में अगर जब तक ना हो, कैसे भानुशाली, जब तक उतार चढ़ाव जिंदगी में नहीं हो तब तक उस जीने का मज़ा नहीं होता, और वो जीने की जो फाइट होती है, एम्बिशन होती है, और वो आगे जाने की जो ताकत और शक्ति मिलती है उन चीज़ों से, पॉजिटिव रहना चाहिए, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे आज का समय जो चल रहा है, सब अच्छा होगा। जो बंद हुई था आपको, तब आपका क्या रिएक्शन था, जो मोदी ने किया लिया सही नहीं है आपको लगता है? सबसे पहला जवाब मैं मोदी जी के लिए, बीजेपी सपोर्टर हूँ और मैं वोटर हूँ, मैंने वोट किया है बीजेपी सरकार को, और मैं मोदी जी को एक पिता समान अपने और देश के हमारे, मैं तो ये कहना चाहूँगी हमें तो उनकी पूज्य माँ से आशीर्वाद लेना चाहिए कि ऐसे दिलेर, ऐसे ताकतवर, ऐसे एक व्यक्ति को जन्म दिया है जो हमारे देश में बहुत बड़ा
एक चेंज लाने वाले हैं। ये है कुछ ऊंच नीचे होती हैं, लोगों की कठिनाइयाँ हो रही हैं, ये थोड़ा बहुत तो कुछ चेंज आने के लिए हमेशा लगता है समय। मैं ये चाहूँगी, दरख्वास्त करूँगी हमारे हिंदुस्तान की जनता को, कोऑपरेट करिए, पैनिक मत होइए, और जिस तरीके से जो पॉजिटिव चल रहा है उसे चलने दीजिए और इसमें मदद कीजिए। और आप देखें गांव-गांव, शहर-शहर, सब जगह में इतने सारे लोग मोदी जी को इतना दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। दिक्कत उसको आती जिसके पास पैसा होता है। आपके पास पैसा नहीं है मतलब? देखिए बॉलीवुड में क्यों दिक्कत आएगी आप मुझे पहले ये बताइए। हमारे आप सारा माइक मेरे मुंह के ऊपर रखिए, हम बात कर रहे हैं, थोड़ा नीचे रखिए, हमारा चेहरा कहाँ से दिखेगा। मैं ये चाहूँगी हिंदुस्तान के देश की जनता को ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मोदी जी को सपोर्ट करें और इस कार्य को आगे बढ़ने में और ताकत दीजिए, शक्ति बनिए, उनको सपोर्ट करिए, क्योंकि हम आगे जाके इसमें जो हमारा निर्णय होगा ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, सिर्फ बीजेपी सरकार के लिए नहीं, आप सबके लिए, हमारे लिए, हमारे आने वाले कल यूथ के लिए, हमारे समाज के लिए। और जाकर के आपको लगता नहीं है एक ऐसा समय आ गया, कितने लोग लाख खेत आज खाक के बनकर रह गए हैं, कितने लोग लाखों के थे आज खाक के बनकर रह गए। गर्व नहीं होता उस आदमी को आज कहता आज मैं भी एक जिन बुजुर्गों के पास, जिन लोगों के पास जो जिस तरीके से काला धन नहीं है, आज उनको क्या गर्व नहीं होता कि आज हम तो तुमसे अमीर हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। सर इनकी ब्यूटी भी है और ब्रेन भी है, क्या है सर कुछ ब्यूटी और ब्रेन का? यार ये तो एक बड़ा ही खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है, सुनते आए हैं जो ब्यूटीफुल गर्ल्स होती हैं वो डम होती हैं, पीपल विद ब्यूटी डोंट हैव ब्रेन्स एंड दोज हु हैव ब्रेन्स आर नॉट वेरी ब्यूटीफुल। तो ये मे बी एक नायाब और एक हटके चीज़ है कि इसमें जो कलाकार है, जो एक्टर है, वो ब्यूटीफुल भी है एंड शी इज़ गॉट ब्रेन्स, सो इट्स अ गुड थिंग। अच्छा कहानी, इट्स अ क्राइम बेस्ड मूवी, इट्स अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट, इट्स नॉट एग्जैक्टली सस्पेंस थ्रिलर, बट देर आर लॉट ऑफ नॉट्स होते हैं ना, गुत्थियाँ, ये आहिस्ते आहिस्ते खुलती हैं मोर टूवर्ड्स द सेकेंड हाफ। तो एक सरल तरीके से कहानी चलती है, एक जो मेरा कैरेक्टर है एक डार्क कैरेक्टर है, कम बोलता है और क्या चाहता है उसका इतना जल्दी वो अपने जो जज्बात या अपने इमोशंस अपने तक काफ़ी हद तक रखता है, वायलेंट हो जाता है अगर हक की बात कोई नहीं कहता है या हक पे कोई नहीं रहता है, तो उस टाइप का। बट ये क्यों है ये लेटर रिवील करते हैं। सेम वे जो लड़की है जो सोनिया जो रोल कर रही है उसका भी कैरेक्टर के वो इस आदमी को किस तरह यूज़ कर रही है या नहीं कर रही है, क्या वाकई इनमें प्यार है, इनमें क्या है, विद एवरी थिंग अनफोल्ड्स ये नॉट्स है ना वो टूवर्ड्स द एंड खुलते हैं। अरे वो तो हिट फिल्म थी, गुड्डू जी हमारे गुरु हैं, गुड्डू जी ने बनाई थी और बॉबी मेरा भाई है तो काफ़ी हम लोगों को सिमिलैरिटी भी होती। धर्म जी ने भी मुझे कहा था एक बार तुम्हारी फोटो देखता हूँ तो बॉबी की याद आती है। तो बिच्छू तो मेरे ख्याल से रानी मुखर्जी थी, गाने भी उसके हिट थे। किरदार आपको नज़र आ रहा था, आप कह रहे हो सर किरदार है। यार मेरे लिए तो ये अच्छी बात है ना कि मैं ऐसे किरदार मुझे अनुमन मिलते नहीं हैं, तारा सीरियल उसके बाद से एक जो लवर बॉय या एक क्यूट काइंड ऑफ बॉय की जो इमेज पड़ गई है तो वो जल्दी मिलते नहीं हैं, तो मेरे लिए तो ये एक ज़रा सा कम मिलते हैं ऐसे किरदार, सो आई एम वेरी हैप्पी। और हर रोल का अपना एक मज़ा होता है करने का, तो हाँ है वैसा किलर काइंड ऑफ अ पर्सन हु डजंट माइंड किलिंग एनीबॉडी, बंदूक चलाने में गोली चलाने में कतराता नहीं है, बट हक के रास्ते पे उसमें भी एक ईमानदारी है, इस कैरेक्टर में उसमें भी एक ईमानदारी है। चल रही समस्या चल रही है 500 हज़ार के नोट को लेकर, क्या कहेंगे उस बारे में? क्या कहेंगे, हम सब जूझ रहे हैं,
हम सब जूझ रहे हैं, बट फॉर्चुनेटली हमारे लिए, एटलीस्ट मैं अपने बारे में बात करता हूँ, हम एक ऐसे इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, ज़्यादातर मैं टेलीविज़न करता हूँ, तो हम ऐसे इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं जहाँ सब चीज़ वाइट और ट्रांसपेरेंट है, और अपना तो हमेशा का फंडा है यार, वो जो सबके लिए कानून है वही मेरे लिए कानून है। अगर मेरे देश के बाकी लोग अगर खुश हैं तो मैं भी उसमें खुश हूँ, अगर वो उसमें सफ़र कर रहे हैं तो मैं भी सफ़र कर रहा हूँ, तो ठीक है। और कोई चीज़ रहती नहीं है, एक इंग्लिश कहा हुआ था, दिस टू शैल पास, कोई वक्त एक तरीके का नहीं रहता है, ये शायद कुछ दिनों की परेशानी हो या कुछ हफ्तों की या कुछ महीनों की, अल्टीमेटली हम इतने जियाले, हम हिंदुस्तानी इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने हमने एक से एक पढ़ाव पार किया है, इसको भी कर लेंगे, थोड़ी वक्ती तौर की होगी ये मेरे ख्याल से मुसीबत। कोई दिक्कत आपको आई थी? मुझे अभी तक नहीं आई है। है सर ना, हम ऐसे प्रोफेशन में बिलोंग करते हैं जहाँ सब चीज़ वाइट में होता है। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई प्रोफेशन, स्पेशली टेलीविजन, तो अभी तक के उसका करम है कि नहीं आई, लेकिन हाँ टेलीविज़न देख के अक्सर अफसोस भी होता है, स्पेशली कुछ कुछ न्यूज़ चैनल्स जो गाँव में चले जाते हैं। आई डोंट नो, मे बी इन द रूरल इंडिया स्मॉल टाउन्स देर आर मोर प्रॉब्लम, बट हम जैसे जो हम मुंबई में रहते हैं और इस प्रोफेशन में हैं, बैंकर्स को जानते हैं, बैंक मैनेजर्स को जानते हैं, ऊपर वाले का इतनी दया है कि फ़ोन कर दो मैनेजर को, इसको उसको, तो वो अभी तक नहीं आई है। इमरान खान जी को वो इस फिल्म के बारे में बताएंगे, और साहिल यू साहिल कम ऑन एंड बहुरानी प्लीज कम ऑन द स्टेज। कैन यू हैव मिस संगीता तिवारी ऑन द स्टेज प्लीज। Thank you so much. Shiva sir, please come forward. Hardy sir, please come forward. Come on everybody, zorda pali pe jai. Yes. May this movie be a super duper hit success. And many many more to come. Samne. Please look in the front, everybody. Madam, go back. Yes, samne. Samne, please. Hello, sir. Yes.